बागेश्वर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद सरयू और गोमती नदियां भी उफान पर हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। गेरेछिना, कपकोट, मिहनिया मोटरमार्ग भारी मलबा आने से बंद हो गए हैं। वही जिला मुख्यालय से लगे अमसियारी कोट क्षेत्र में 4 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा आसपास के 6 गांव में भी बिजली नहीं है। ऊर्जा निगम के ईई मोहम्मद अफसल ने बताया कि द्वारिका छीना के पास भूस्खलन के कारण बिजली के तार व पोल टूटे हैं। लगातार हो रही बारिश से मरम्मत कार्य भी प्रभावित हो रहा है, जल्द आपूर्ति सुचारू की जाएगी। वही अमसियारी कोर्ट के पूर्व प्रधान गिरीश टंगड़िया ने पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रोड भी पूरा ब्लॉक हो गया है। अब मैं आज मौके पर आके मैं उस दिन भी आया था और आज भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्थिति और बिगड़ हो गई है। परंतु अब हम ये एक अलग ये सोच रहे हैं कि इसको लाइन को डाइवर्ट करें यहाँ से, क्योंकि फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसमें खराबियाँ दिख रही हैं कि पहाड़ गिरेगा, तो हम इस लाइन को डाइवर्ट करने की सोच रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से ये रास्ता हमारा खुलता है तो हम यहाँ पर नए पोल लगा कर लाइन को डाइवर्ट करने का काम करेंगे, और ये जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद 6 से 7 घंटे में हम नई लाइन बनाकर इसको चालू कर देंगे। इससे 10-12 ट्रांसफार्मर हमारे बंद है, जो कि मुझे लगता है अगर ये रोड खुल जाए तो उसके बाद 6-7 घंटे में हम इस लाइन को चालू कर सकते हैं। 4 साल से इसी हालत में हम चल रहे हैं इस रोड पर, डर के साए में जी रहे हैं। मरीजों को लाने का, अभी कोई मरीज आते हैं तो कैसे लाया जाए उसको, लाइट नहीं है। पीडब्ल्यूडी की हम देखिए, इसमें पहले 28 लाख का टेंडर भी लग चुका है, पता नहीं काम क्या हुआ, कुछ पता नहीं है उसमें। और मरीजों को कैसे लाए, बड़ी समस्या हो गई, पैदल आने लायक नहीं हो रहा रास्ता, बहुत बुरे हैं। पंचायत चुनाव में ऐसा हुआ था, आगे को भी ऐसी होगा, क्योंकि इस रोड की हालत तो ऊपर से पूरा बैठ रही है रोड, क्या हो सकता है इसमें, प्रशासन की अनदेखी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पर्वतीय इलाकों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप भी देखिए हमारे संवाददाता जगदीश उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आज लगातार बारिश होने से जहाँ गेरेछिना मोटर मार्ग में भारी मलबा आने से आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है, पूरी सड़क बंद हो चुकी है और लगातार यहाँ पे जेसीबी मशीन के माध्यम से काम किया जा रहा है, सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लगी हैं, लंबे समय से लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पे बिजली की लाइन भी टूट चुकी है, जिस वजह से बिजली की लाइन टूटने से करीब 15 से 20 गाँवों में बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसको लेकर विभागीय टीम भी यहाँ पे पहुँची हुई थी और उनके द्वारा भी यहाँ पे सर्वे किया जा रहा था और अधिशासी अभियंता के द्वारा बताया जा रहा है कि लाइन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मलबा लगातार गिर रहा है यहाँ से लाइट सुचारू करना मुश्किल होगा। इस वजह से उनको यहाँ पे 2-4 दिन भी लग सकते हैं, जब तक सड़क नहीं खुलेगी वह अपने काम को सुचारू नहीं कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें यह सड़क 2019 में पंचायत चुनाव के वक्त भी बंद हो चुकी थी और लगातार तब से यहाँ पे मलबा गिर रहा है। इसको टेम्प्रेरी रूप में या कह सकते हैं कि हल्के फुल्के रूप में इसको खोलने का प्रयास विभाग द्वारा लगातार किया जाता है। लाखों रुपए इस सड़क में खर्च किए जा चुके हैं लेकिन सड़क पूरी तरह से आज भी सही नहीं हो पाई है। 2023 का पंचायत चुनाव आने को है लेकिन सड़क अभी तक सही नहीं होना, यह भी प्रशासन की लापरवाही का काम भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रशासन इसको लेकर संवेदनशील नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें यह मुख्य सड़क है और यहाँ से सोमेश्वर मिलती है। इस सड़क को स्टेट हाईवे के रूप में भी विकसित किया जा रहा है लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सड़क की हालत है यह काफ़ी शोचनीय विषय है कि प्रशासन किस रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।